टू माई चैनल एसिंग ब्लॉग्स एंड वीडियोज। और आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल बाजार जैसी आलू की सब्जी और कचौड़ी। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, आप जरूर ट्राई करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले चलिए कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल, अगर आपके पास धुली हुई उड़द है तो आप वही यूज़ करिए। और इसे हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, इसे पीस लिया है और थोड़ा दरदरा ही पिसा हुआ है इसे, और इसे छन्नी में हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, हींग ले ली है और ले लिया है साथ में 1 छोटा चम्मच हल्दी। तो ये सारे मसालों को मैंने डाल दिया है उड़द का दाल जो मैंने पाउडर बनाया है। और इसमें अब डाल देंगे नमक, नमक आप कोई भी डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है यहाँ पे, और अच्छी तरह से मिक्स करके और पानी यूज़ करके, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे अच्छा सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें जो पानी है वो ज़्यादा लेता है, एब्जॉर्ब करता है उड़द की दाल। तो इसमें अगर हल्का सा आप गीला भी रखेंगे तो वो चलेगा बाद में, क्योंकि ये रखने के बाद ही थोड़ा टाइट हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका, इसको हम पिट्टी भी बोलते हैं, तो ये जो मसाला है कचौड़ी के लिए वो रेडी हो गया है। और इसे अब हम ढक करके रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और अब हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं आटा कचौड़ी के लिए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा ले लिया है और 1 कप मैदा, और साथ में इसमें 1/2 कप सूजी लिया है। तो जो सूजी है महीन सूजी यूज़ करिए। और उस आटे के लिए देखिए यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ले ली है और अजवाइन ले लिया है, और इसे डाल देंगे और साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल, कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, और 1/2 कप से कम तेल लिया है, और उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं तेल और यूज़ कर रही हूँ, और इतना 1 चम्मच के आसपास तेल बच भी गया है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और कुछ देखिए इस तरह से ये बंधने लगा है, और ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, और पानी की सहायता से एक अच्छा डो बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए आटा, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। और इसे अब सेट होने के लिए रख देते हैं। और चलिए अब कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। और जिसके लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, उबले हुए आलू, और 4 से 5 ये आलू है बड़े, और कुछ उसे इस तरीके से हाथ से ही हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन ले लिया है, और धनिया लिया है 1 बड़ा टमाटर और अदरक, साथ में गरम मसाले हैं, हरी मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, हींग है 1/2 छोटा चम्मच, और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, और साथ में है हल्दी, 1 चम्मच कसूरी मेथी, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और अमचूर पाउडर ले लिया है। और चलिए अब हम बेसन को भून लेते हैं। तो मैंने पैन रख दिया है कढ़ाई यहाँ गैस पे, और इसे अब हम मूल लेंगे। तो इसे हल्का सा रेड होते हुए हमें सेक लेना है, और बेसन जो है बहुत जल्दी जल जाता है, तो आप उसको ध्यान रखिए, धीमी गैस पे इसे हम पका लेंगे। और अब मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, और अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है, सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, और 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, और ये सारे मसाले हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले जीरा और ये हरी मिर्च कट करके, साथ में हींग, और जब ये पक जाएंगे अच्छे से तब साथ में इसमें हल्दी और धनिया पाउडर है वो डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर और अदरक का पेस्ट, और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे जब तक कि इसमें तेल आपको ना दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं अभी टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है, और अब यहाँ पे हम डाल देंगे आलू और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन जो हमने भून करके रखा हुआ था, और बेसन डालने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार डालिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। और फिर इसमें डाल देंगे पानी, तो पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ग्रेवी कैसी रखनी है, पतली रखनी है, थिक रखनी है, वैसे थोड़ी पतली रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर तक इसको 5-10 मिनट तक इसको अच्छे से उबलने देंगे, इससे जो टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आमचूर, रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाले, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें हम ऊपर से ऐड करेंगे। और अगर आपको रेड कलर चाहिए सब्ज़ी में तो आप कश्मीरी देगी मिर्च जो आती है वो डाल दीजिए, उससे जो कलर है रेड हो जाएगा। और अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है, और अब हम बना लेते हैं कचौरी, और आटा भी सेट हो गया है, तो इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और ये जो मसाला है कचौरी का, ये कुछ इतना सॉफ्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर रखने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा टाइट हो गया है तो थोड़ा पानी डाल करके उसे चिकना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कचौरी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल का यूज़ कर लिया है, और इसे अब हम हल्के हाथों से रोल कर लेंगे कचौरी को। और यहाँ पे जो तेल है वो भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, और अब हम इसे सेक लेंगे पलटते हुए। तो इसी तरीके से जो सारी कचौरियाँ हैं उसे रेडी कर लेंगे। और आप फुल इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।